हेलो स्टूडेंट, आई एम अनिल कुमार। तो बच्चों, अपने पीछे कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, ठीक है। आज एक नया टॉपिक्स जो अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको जो मैंने पहले टॉपिक करवाए हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, वो आपको उसने आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, वो यानी कि आप उनमें ये है भी अब आपको वो क्लियर हो चुके हैं, यानी कि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक जो अब तक अपने कंप्लीट चैप्टर जो अपने करते आ रहे हैं जो टॉपिक्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स का जिसको आज अपने डिस्कस करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेजर टॉपिक्स है, उसमें क्या है कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपने डिस्कस करेंगे बच्चों डिलेज। क्या डिस्कस करेंगे आज? डिलेज, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा, यानी कि आप कैसे कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्रीकल्चर में, ठीक है। आप एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो डिलेज को समझते संदर्भ, डिलेज क्या है? देखो, डिलेज को क्या क्या है कि आपका जो ये फील्ड है, आपका जो फील्ड है इसमें आप कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो वो किसमें आएगा? डिलेज में आएगा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देखो, जैसे मानो कि आप क्या कर रहे हो, होइंग कर रहे हो, ठीक है। मानो कि आप होइंग कर रहे हो, डीप होइंग कर रहे हो, ठीक है, होइंग कर रहे हो, डीप होइंग कर रहे हो, या आप उसके अंदर कोई इंटरकल्चर कर रहे हो, ठीक है, वो सारा किसमें आएगा? डिलेज, ठीक है। मतलब क्या फील्ड तैयार कर रहे हो आप, उसकी कोई जो आप उसमें बीच में इंटरकल्चर कर रहे हो, फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सोइंग कर रहे हो, वो सारा किस में आएगा? डिलेज में आएगा, ठीक है। तो अपने देखते हैं डिलेज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो डिलेज की डेफिनेशन, आप क्या बताओगे कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है जो क्यों की जाती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेने के लिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है वो ही क्या कहलाती है? डिलेज कहलाती है, ठीक है। एक डिलेज के साथ एक इसी के साथ और अपने पढ़ लेते हैं, एक आता है टिल्ट, ठीक है। क्या आता है? टिल्ट। इसमें देखो टिल्ट में आप क्या पढ़ते हो, मैं बताता हूं। टिल्ट आपको आराम, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप इसमें क्या करोगे आराम से कि जो आपका डिलेज है इसका जो रिजल्ट होगा वो टिल्ट होगा, ठीक है, टिल्ट होगा। आपको क्या करना है दोबारा देखो, जो डिलेज है, डिलेज का जो रिजल्ट हुआ वो क्या कहलाएगा? टिल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको टिल्ट की डायरेक्ट डेफिनेशन होगी कि रिजल्ट ऑफ द डिलेज इट इज नोन एज टिल्ट, ठीक है, इट इज नोन एज टिल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। अब देखो एक चीज और बताते हैं कि अब है ना पूछा जाता है कि फादर ऑफ डिलेज कौन है, ठीक है। तो आपसे बच्चों क्या पूछा जाता है? फादर ऑफ डिलेज, तो ये है जेन थ्रोडू, कौन है ये? जेन थ्रोडू, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो आपसे बच्चों ये ध्यान रखना, आपसे एक इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ डिलेज कौन है, तो वो कौन है? जेन थ्रोडू, ठीक है। तो कौन है बच्चों? वो जेन थ्रोडू, उसका ध्यान रखना उसके नेम का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेन थ्रोडू, ठीक है। तो ये इससे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फादर ऑफ डिलेज, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डिलेज, किसको बोला जाता है? जेन थ्रोडू, ठीक है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैं आपको दोबारा डिस्कस कर देता हूं, बताता हूं, फिर देखते हैं। डिलेज, डिलेज किसी के हो गए, क्या बोला? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो ताकि जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ठीक है, वो क्या कहलाता है? डिलेज कहलाता है। और टिल्ट क्या होता है? डिलेज का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? टिल्ट होता है, ठीक है। डिलेज का जो रिजल्ट होता है वो टिल्ट होता है। और आप इसमें देखो जो, और फादर ऑफ डिलेज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डिलेज जेन थ्रोडू को कहा जाता है। अब जेन थ्रोडू को फादर ऑफ डिलेज कहा जाता है, इसने एक बुक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी, बुक का नेम है ट्रिपल एच, बुक का नेम क्या है? ट्रिपल एच, जिसकी फुल फॉर्म होती है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, क्या फुल फॉर्म होती है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है। तो इसके तो ये जेन थ्रोडू के द्वारा एक बुक लिखी गई थी ट्रिपल एच, ट्रिपल एच का नेम क्या है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये तरह आपको ध्यान, आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ डिलेज कौन है, तो जेन थ्रोडू, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो इसके टाइप्स आते हैं, डिलेज के टाइप्स आते हैं, सबसे पहले देखो
ट्रेज के टाइप्स में आप क्या कर रहे हो कि इसको अपने दो टाइप्स में बांट दिया। एक तो मैंने बांट दिया इसको ऑन सीजन और एक अपने बांट लिया इसका ऑफ सीजन। एक इसे बांट लिया ऑन सीजन और एक अपने बांट लिया ऑफ सीजन। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं ऑन सीजन और ऑफ सीजन क्या होता है। ऑन सीजन वो होगा जब आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो तब आपके फील्ड में क्रॉप है, तब आपकी फील्ड में क्या है क्रॉप है। उस टाइम अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करोगे वो तो क्या कहलाएगा ऑन सीजन, ठीक है। अगर आपके फील्ड में उस टाइम क्रॉप नहीं है यानी कि आप क्रॉप खड़ी नहीं है टॉप या विदाउट क्रॉप है उस फील्ड यानी कि खाली है, ठीक है, तो आप उसको क्या कहलाओगे ऑफ सीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ऑफ सीजन। अगर क्रॉप है फील्ड में तो ऑन सीजन कहलाएगा, यदि क्रॉप नहीं है तो वो ऑफ सीजन कहलाएगा, ठीक है। तो चलते डिस्कस करते हैं ऑन सीजन में। देखो ऑन सीजन में देखो इसके थ्री टाइप्स बन जाते हैं जो मैं आपको अभी मेथड बताऊंगा। तो देखो इसमें बनता है प्राइमरी सेकेंडरी और जीरो, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और जीरो। देखो प्राइमरी सेकेंडरी और जीरो, प्राइमरी सेकेंडरी और जीरो, ठीक है। यहां तक अभी डिस्कस करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले अपने करते हैं प्राइमरी को। तो इसके जो थ्री टाइप्स हो गए पहले ऑन सीजन में जा रहे हैं, ऑन सीजन में अपने प्राइमरी को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले प्राइमरी, एक बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, प्राइमरी में अपने कंसल्ट कर रहे हैं तो देखो प्राइमरी में क्या होगा कि आप जो अपना फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि आप फील्ड प्रिपेयर से लेके बिफोर सोइंग, ठीक है, यानी कि फील्ड प्रिपेयर से लेके बिफोर सोइंग, बिफोर सोइंग ये आपका क्या कहलाएगा जो बिफोर सोइंग होएगा। इसमें इसको आप क्या बोलोगे कि ये कैसे बिफोर सोइंग जो जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करोगे आप वो किसमें आएगी प्राइमरी में। जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो किसमें आपने फील्ड प्रिपरेशन से लेके और बिफोर सोइंग सोइंग से पहले तक जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो वो किसमें आएंगे प्राइमरी में। किसमें आएंगे प्राइमरी में, ध्यान रखना बच्चों किसमें आएंगे प्राइमरी। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो प्राइमरी में कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो प्राइमरी में कौन कौन से किए जाते हैं। तो डायरेक्ट याद रखने की बात है कि जिसके पीछे प्लाउ लग जाए, जिसके पीछे प्लाउ लग जाए वो प्राइमरी का होगा। ध्यान रखना जिस भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के पीछे प्लाउ लग जाए वो किसका होगा प्राइमरी का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों जिस भी एग्रीकल्चर की जैसे आपका आएगा मोल्ड ब्रॉड प्लाउ बॉस प्लाउ, ठीक है, तो ये सब, ठीक है, तो मोल्ड ब्रॉड प्लाउ आएगा, ये सारे जितने भी प्लाउ आ रहे हैं वो किसमें प्राइमरी के होंगे, ठीक है। तो जिस भी आपके जो एग्रीकल्चर उसके पीछे प्लाउ लग रहा है तो वो किसमें आएगा प्राइमरी में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता दी कि फील्ड प्रिपरेशन से लेके बिफोर सोइंग तक आप जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो वो प्राइमरी में आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में देखो आप सेकेंडरी में मैंने आपको प्राइमरी में क्या बताया था बिफोर सोइंग, अब सेकेंडरी में क्या कर रहे हो कि सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग टू हार्वेस्टिंग तक आप जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो वो किसमें आएगी आपके सारी सारी सेकेंडरी में आएगी, ठीक है। जैसे आप मानो कि इंटरकल्चर कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो इंटरकल्चर कर रहे हो, उसमें निराई गुड़ाई कर रहे हो तो वो सारा किसमें आएगा सोइंग, ठीक, जो सारा किसमें आएगा आपके वो सेकेंडरी ड्रेज में आएगा, क्योंकि प्राइमरी में आपने पढ़ा था कि बिफोर सोइंग, इसमें क्या करते हो सेकेंडरी में आफ्टर सोइंग टू हार्वेस्टिंग तक आप जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हो वो किसमें आएगा सेकेंडरी में। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि जो आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो सेकेंडरी में कौन कौन सी यूज करते हो सेकेंडरी में, तो आपको बच्चों ध्यान रखनी है हैरो। जिस भी आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के पीछे हैरो लगा मिल जाए, जिस भी आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के पीछे हैरो लगा मिल जाए, उस हैरो लगा मिल जाए तो वो कौन से यानी कि आप क्योंकि कौन से वो डिलेज का वो कौन से सेकेंडरी डिलेज में यूज किया जाएगा,
ठीक है, जिस भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के पीछे हेरो लगा मिलेगा आपको, वो कौन से ट्रेड में यूज किया जाएगा, वो स्केली ट्रेड में, ठीक है। एक इसके साथ कल्टीवेटर भी आता है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कल्टीवेटर इसी में, ठीक है। तो ध्यान रखना डिक्स हैरो, यानी कि हैरो जैसे डिक्स हैरो है आपके, तो ये अगर हैरो लगा हुआ मिल जाए आपको किसी पीछे, वो कौन से यूज होगा, स्केली, ठीक है। स्केली ट्रेड में आप उस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का यूज करोगे। अब आपका आता है जीरो ट्रेस, देखो जीरो ट्रेस को मिनिमम ट्रेस भी बोला जाता है, ठीक है, जीरो ट्रेस को मिनिमम ट्रेस भी बोला जाता है। देखो इसमें क्या कर रहे हो कि आप कोई ट्रेस नहीं करते, ठीक है, आप इसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करते, आप डायरेक्ट इसमें सोइंग कर देते हो, क्रॉप की डायरेक्ट आप सोइंग करोगे, उससे पहले कोई फील्ड प्रिपरेशन नहीं करोगे, कोई अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करोगे, कोई डीप होइंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे आप डायरेक्ट उसके अंदर क्या करते हो, सीड की सोइंग कर देते हो, आप उसमें डायरेक्ट सीड की सोइंग कर देते हो, ठीक है। अब देखो आप सीड की सोइंग कर रहे हो आप, वो तो आप डायरेक्ट कर रहे हो, आप उसमें पहले एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हो, कुछ भी ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, तो ये कहां पे है, ये वहां पे अधिकतर किया जाता है, जहां पे मानो कि आप ये कह सकते हो कि रेनफेड इरिगेशन, रेनफेड जो क्रॉप्स लेते हैं वहां यूज किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ड्राई लैंड होती है, ठीक है, या आप डेजर्ट लैंड बोल सकते हैं, मतलब वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है, वहां पे जीरो ट्रेस यूज किया जाता है, इसमें कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं की जाती, ठीक है, पूरा पूरा आप डायरेक्ट ये कह सकते हो, डायरेक्ट आप सोइंग करोगे सीड की, ठीक है। और इसके देखो इसके फादर्स भी हैं, जो फादर्स देखो क्या है इसके, तो वो है टेरिप्लांट, ठीक है, इसके फादर देखते हैं, ठीक है। अब जो आप ध्यान रखना है इनके फादर ही पूछे जाते हैं टेरिप्लांट, ठीक है, तो टेरिप्लांट आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ जीरो ट्रेस, तो कौन है टेरिप्लांट, तो ध्यान रखना फादर ऑफ जीरो ट्रेस कौन है टेरिप्लांट। तो ये बच्चों आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ ये देखो मेरी चीज है, तो आपसे फादर पूछा जाता है, और ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज नहीं करते, ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करोगे आप सोइंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये सारे ऑन सीजन के थे, कौन से ऑन सीजन के, अब चलते हैं ऑफ सीजन, कौन से ऑफ सीजन, देखो ऑफ सीजन में सबसे पहले आपको बता देता हूं, एक अब करते हैं अपने सब सोइल, जो अपने नाम के सब सोइल ट्रेस करते हैं, उसमें देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, सब सोइल ट्रेस होता है, देखो इसमें क्या किया जाता है सब सोइल ट्रेस में, कि आप क्या करते हो कि जो आपकी फील्ड है, जो आपका खेत है, उसमें क्या करते हो, जो डीप गोइंग करते हो, ताकि अगर आपके कोई खेत में कोई कड़ी परत बन गई है, कोई लेयर बन गई है, उसको तोड़ने के लिए किसका यूज करते हो आप, सब सोइलर कर, ठीक है, सब सोइलर बोला जाता है इसको, ठीक है, सब सोइलर बोला जाता है, सब सोइलर कह सकते हो आप, ठीक है। तो सब सोइलर इसमें आप बोल सकते हो, ये सब सोइलर जो अपने क्लेस कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हो, जैसे आपने पढ़ा होगा सरफेस सोइल और सब सरफेस सोइल, ठीक है, तो दोनों डिफरेंस क्या आता है, सरफेस को जो ऊपर वाली होती है, सब सरफेस क्या आती है तो नीचे वाली, तो इसमें भी सब सोइलर जो अपने यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि उसमें जो आप सोइल की जो नीचे कड़ी परत है वो उसको तोड़ने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आता है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब इसको ड्राई ट्रेज बोला जाता है, तो ड्राई ट्रेज में देखो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो आपका फील्ड होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, सूखे में इसको आप क्या कर रहे हो कि उसको उसकी जुताई कर रहे हो, उसको ट्रेस कर रहे हो, ठीक है। अब आप उसमें तो बाद में ताकि अपने उसमें क्या है कि क्रॉप और कोई जो ग्रो करनी है वो ग्रो करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि वो ड्राई होता है, जो आपका फील्ड है वो ड्राई रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट वेट, एंड वेट बोल सकते हो या पडलिंग, ठीक है, इसको पडलिंग भी बोला जाता है। अब देखो पडलिंग सब जानते हो, पडलिंग आप देखो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पडलिंग है वो किसका फिर प्रिपेयर करने के लिए तैयार किया, किस क्रॉप का, तो वो राइस या पैडी, राइस या पैडी क्रॉप है, उसमें ये पडलिंग की जाती है। आप सब जानते क्यों की जाती है, पडलिंग में क्या करते हैं कि उसमें एक ऐसे मानो कि आप मिट्टी और पानी को अच्छी तरह मिला देते हो, एक यानी कि गाद नुमा या कह सकते हैं अपने किचन नुमा से आप बना देते हो, ताकि उसमें क्या होता है कि उसमें दो जोन बनाए जाते हैं, एक तो ऑक्सीकट जोन, एक रिड्यूस जोन,
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो राइस में होते हो, एक जो राइस में आप क्या जो फर्टिलाइजर देते हो वो अमोनिया के रूप में देते हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए क्या उसमें दो लेयर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो पडलिंग एक्टिविटीज है वो कौन सी क्रोम में की जाती है, राइस में, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, काफी वाटर होता है वेट, इसलिए इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखना, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपका एक ब्लाइंड होइंग आता है, ठीक है। अब देखो ब्लाइंड लेंज में क्या कर रहे हो आप, कि अभी ब्लाइंड लेंज में आप ये कर रहे हो, जैसे मान लो कि कुछ क्रॉप्स में ये किया जाता है, जैसे ब्लाइंड लेंज, ठीक है, जैसे जो ब्लाइंड लेंज होता है, जैसे एक तो किया जाता है शुगर केन में और एक पोटेटो में, ये दो मेजर क्रॉप है, एक तो शुगर केन और एक पोटेटो, इन दोनों में ब्लाइंड होइंग का यूज किया जाता है। क्या करते हैं कि इनके जर्मिनेशन से पहले, इनके जर्मिनेशन से पहले इनमें आप क्या करते हो कि ये होइंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड होइंग, ठीक है, ब्लाइंड होइंग, यानी उनके जर्मिनेट नहीं हुए उनके सीड। और ये दो क्रॉप है, इनसे पूछा जाता है कि ब्लाइंड होइंग कौन सी क्रॉप में की जाती है, तो वो आता है आपका शुगर केन एंड पोटेटो, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्रॉप्स आती है। तो देखो नेक्स्ट आपके ये टाइप्स थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इस तरह ये अलग अलग जितने भी, जैसे आप इसको थ्री थ्री आपके देखो, एक तो वेट वाला हो गया, एक ड्राई वाला हो गया, ठीक है, एक सब सोलिड वाला, ठीक है। तो इसमें फोर टाइप्स हो जाते हैं, ध्यान रखना ये सब ऑक्सीजन के, ठीक है। आजकल क्या है कि आपको मैं बता देता हूँ, जो आपसे जो पूछे जाते हैं उन सब के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे इसमें। एक और आजकल एक चला है जो नया मेथड है, आप उसको कह सकते हो कंजर्वेशन रिलेज। क्या किया जाता है, कंजर्वेशन रिलेज किया जाता है। मैं इसको थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ क्या होता है कंजर्वेशन रिलेज। ये एक न्यू मॉडल आया, मॉडर्न कह सकते हो आप, ये रिलेज एक मॉडर्न आया है। देखो आप इसी में थोड़ा देखते कंजर्वेशन में क्या करना है कि आप जो होइंग कर रहे हो, आप जो उसमें क्या करना है आपको कि उसमें जो आपकी मॉइस्चराइजर है, जो आपकी सोइल में मॉइस्चराइजर है, नमी है, उसको आपको कम से कम होने को बचाना, ठीक है, उसको यानी कि उसका इवोरेशन कम से कम हो, ठीक है, ताकि वो इवोरेट कम से कम हो, ठीक है। तो उसका ट्रांसमिटर आपको रोकना है, तो सोइल का जो ट्रांसमिटर रोकने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, जैसे आप कंजर्वेशन कर रहे हो उसमें मल्चिंग यूज कर रहे हो, मल्च तो आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें ये आप यूज कर रहे हो, तो अब देखो इसमें आप क्या करते हो, मल्च यूज करते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप एक चीज ध्यान रखना कि आप कोई जो फील्ड है उसको आप क्या कर रहे हो, घास फूस या फिर किसी पॉलिथीन की थैली से ढक रहे हो, ताकि देखो पॉलिथीन की थैली घास फूस आ गई तो जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट इस पे नहीं पड़ेगी, जब इस सॉइल पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी तो यानी कि इसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है वो बना रहेगा, वो उसकी कमी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह आप ये सनलाइट ही आजकल क्या है कंजर्वेशन के लिए है, इसमें क्या कहते हैं कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सॉइल की मॉइस्चराइजर है, जो नमी है, उसको आप बनाए रखना है, इतना सा आपको उसमें काम करना है और आपको कुछ काम नहीं करना, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखना, अब आप इसमें देखो ना अपने टिलेज की जो बात कर रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टिलेज का, ठीक है। इस टिलेज में आप क्या करते हो कि अलग अलग, जैसे आप ध्यान दो जितना मैंने आपको जो क्वेश्चन बता दिए वो क्वेश्चन आपको सारे इसमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इसके दोबारे में आपके टाइम बता देता हूं, तो देखो ऑन सीजन, ऑफ सीजन, ठीक है। इसके फिर आगे टाइप्स आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जीरो, ठीक है। इसमें आपके आते हैं वेट, ड्राई, वेट के साथ ही पटलिंग आता है, ठीक है, वेट के साथ ही पटलिंग आता है ड्राई, और उसके बाद आपका आता है ब्लाइंड, और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्लाइंड के बाद जो आप जानते हो नेक्स्ट आपका सबसे, ठीक है। तो आपको देखो बच्चों इसमें जो मैंने आपको बताना था, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ध्यान रखना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पूछे जाते हैं आपसे कि कौन से विलेज में कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो उस बात का आपको मेजर ध्यान रखना है। ये आपका एक टॉपिक था जो आपके, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे आप बताना। देखो मैंने अभी आपको पूरा पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट किसमें कौन सा, तो आपको बताना है रोटावेटर, जो आपका क्या है रोटावेटर
आप मुझे बताओगे कि रोटावेटर जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो कौन सी टिलेज में काम आता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो वो मुझे बताना है आपको कि जो रोटावेटर है वो कौन सी टिलेज में आपको ये काम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके सभी बताना, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छे जो वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है, काफी ज्यादा उस पर व्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी का थैंक यू, और इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम की या किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पहुंच सके। देखो क्या होता है कि आप जब एक शेयर करते हो तो किस किस कैंडिडेट के पास पहुंचता है, यानी कि उससे क्या होता है कि वो उसको एक मैटर मिल जाता है, क्योंकि आपको ये चीज सारी बुक्स में मिल जाएगी। बट क्या होता है कि बुक्स में मिल जाती है उसमें थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बट एक जब अपने कोई पढ़ा रहा है, समझा रहा है व्हाइट बोर्ड पे, तो उसमें पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एक टॉपिक था, टिलेज एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया, अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।